हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टेक्सोर। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब आप अपने गूगल अकाउंट में साइन इन करने जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से बोलता है कि आपको कोड डालना है। तो आप कोड कहाँ से ढूंढ सकते हैं, आप कैसे डाल सकते हैं, आपको मैं बताऊँगा। तो चलिए हम देखते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, दो तरीके से आप वो कोड ढूंढ सकते हैं। पहला तो आप अपने सेटिंग्स में जाके ढूंढ सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के फ़ोन में सेटिंग में ये नहीं होता है। तो मैं आपको वो दूसरे मेथड में बताऊंगा कि आप कैसे ढूंढ सकते हैं। तो आपको सेटिंग में जाना है और यहाँ पर गूगल में जाना है, और उसके बाद यहाँ पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पर ये पेज ओपन हो जाता है। तो आपको यहाँ पर ऐसा स्क्रॉल करना है और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी आपको दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आप नीचे जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कोड दिखता है, ठीक है। अब सिक्योरिटी कोड को यहाँ पर आपको ओपन करना है, फिर उसके बाद आपसे ये आपका फ़ोन का लॉक स्क्रीन पूछेगा। तो आपको यहाँ से अपना लॉक स्क्रीन खोल लेना है और उसके बाद आपको यहाँ पर ये कोड्स दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सब कोड्स दिख गए हैं। तो दोस्तों, ये कोड चेंज होते रहते हैं, और अगर आपको इस तरीके से नहीं मिल रहा है कोड तो यहाँ पर मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको चले जाना है अपने जीमेल में, और जीमेल में जाने के बाद आपको यहाँ पर अपने अकाउंट पर यहाँ पर ऐसा क्लिक करना है, और उसके बाद मैनेज योर अकाउंट पर क्लिक करना है। और देखिए, ये पेज ओपन हो गया जैसे सेटिंग से ओपन हुआ था। तो ये सिक्योरिटी में जाना है और उसके बाद ये देखिए सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जीमेल से भी ये कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप करना चाहें तो क्रोम में भी आप कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं होता है तो आप क्रोम से जाके कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सोर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।